विष्णु पुराण का एक श्लोक है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषासुर स्वार्ग। निसंदेह भारत भूमि की धरा पर जब जब सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है, तब तब विष्णु पुराण का यह श्लोक चरितार्थ हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी ये कोई नाम नहीं है, बल्कि नेताजी अपने आप में एक स्वाभिमान है, एक भारत भूमि या भारत देश का स्वाभिमान। आज मैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की हृदय से आभारी हूँ कि भारत के इस स्वाभिमान के बारे में चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किया। मेरा जो टॉपिक है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जर्मनी में जो इंडियन लीजन या जिसे आजाद हिंद फौज का भी नाम दिया गया, जब उसका जो गठन हुआ, उस गठन के सामने गठन करने के प्रक्रिया में उन्होंने जो परिस्थितियां जो थीं या उन्होंने जो चुनौतियां झेली, उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बलबेदी पर जिन तरुण विप्लवियों की धारा ने भारत की स्वतंत्रता की अभिलाषा लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उसी धारा को आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में एक बेमिसाल पथ प्रदर्शक मिला। अपनी आभा के ओस से उन्होंने संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दैदिप्यमान कर दिया। वे उन दीवानों के प्रतिनिधि बनकर सामने आए जो अपनी राह स्वयं बनाते हैं और अपने हथियार खुद चुनते हैं। वे एक ऐसे सेतु बन गए जिसने देश और विदेश के क्रांतिकारियों को जोड़ा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय फलक प्रदान किया, बल्कि उनके अथक प्रयासों का ही ये परिणाम था कि संपूर्ण विश्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उसकी सफलता का प्रश्न एक युगांतकारी घटना के रूप में देखा जाने लगा। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो उस दौरान यूरोप और पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां मुख्य रूप से तीन तत्वों पर आधारित थीं, जिनमें से पहला था उनकी वैचारिक दृढ़ संकल्पता, दूसरा उसके पीछे उनका सामाजिक उद्देश्य और तीसरा तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक अनुरूप युद्ध कला। उनकी वैचारिक दृढ़ संकल्पता में भी दो संपूर्ण तत्वों का सम्मिश्रण था, एक था संपूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता, वो पूर्ण स्वराज्य की बात करते थे, उन्होंने कभी भी डोमिनियन स्टेट्स की बात नहीं की, और दूसरा था स्वाधीनता के लिए साम्राज्यवाद विरोधी समझौता विहीन संघर्ष, जिससे पूर्ण रूप से आधुनिक समाजवादी राज्य व्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके। नेताजी ने स्वाधीनता संग्राम का जो उद्देश्य निर्धारित किया था वह ब्रिटेन की भारत में स्थिति और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यथातथ्य जांच परख पर आधारित था। वे मानते थे कि भारत क्रांति के लिए तैयार है, भारतीय जनता क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन प्रतिष्ठित भारतीय नेता जिसमें वामपंथी भी थे और दक्षिणपंथी भी, वे अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए इच्छुक नहीं थे। इन परिस्थितियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस प्रमुख आधार को ही मिटाने का फैसला किया जिसने भारत में ब्रिटिश राज को बनाए रखा था, और वह था भारतीय सेना की वैतनिक राजभक्ति। अतः नेताजी का मुख्य लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संकट का लाभ उठाते हुए सेना की इस राजभक्ति को ध्वस्त करना और उनमें भारतीय स्वाधीनता के प्रति भक्ति भाव जागृत करके भारत को विदेशी दासता की बेड़ियों से मुक्त कराना। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस युद्ध नीति को अपनाया उसका मुख्य तत्व ब्रिटेन के शत्रुओं द्वारा नियंत्रित व्यवस्था क्षेत्रों और उन व्यवस्थाओं के द्वारा मुहैया सुविधाओं का सदुपयोग करके क्रांतिकारी मुक्ति वाहिनी का गठन करना तथा जैसे भी हो सके उसे भारत में प्रवेश कराना, जिसके लिए समस्त उपलब्ध सुख सुविधाओं का परित्याग करके ये भारतीय तीर्थ यात्री, जैसा कि उनकी आत्मकथा का शीर्षक भी है, भारत की सीमाओं से बाहर निकल पड़ा।
16 जनवरी 1941 में भारत में ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से निकलकर अस्वस्थ नेताजी का गुप्त रूप से जोखिम भरी यात्रा करते हुए पेशावर और काबुल से मास्को होते हुए बर्लिन और फिर पूर्व एशिया पहुंचने का वृत्तांत किसी प्रेरणादायक रोमांचकारी वीर गाथा से कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संकट से परिपूर्ण समय में ये कारनामा उनके दुस्साहस एवं अपनी मातृभूमि को आजाद कराने की उनकी उत्कट अभिलाषा या उत्कट इच्छा का द्योतक है। 27 जनवरी से 18 मार्च 1941 तक नेताजी काबुल में रहकर अपने देश को आजाद कराने की अभिलाषा लिए अनेक कठिनाइयों को सहते हुए धुरी ताकतों से इस संदर्भ में मदद के लिए प्रयासरत रहे। इस संदर्भ में वे सर्वप्रथम रूस पहुंचना चाहते थे क्योंकि वह एक ऐसी ताकत थी जिससे कि वो ये जानते थे कि अगर इससे मदद मिली तो भारत को आजाद करवाया जा सकता है, किंतु तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ऐसा करने में वे सफल नहीं हो सके क्योंकि स्टालिन नेताजी को सहायता देकर इंग्लैंड और अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहता था, अतः उन्हें जर्मनी जाना पड़ा। इस पूरे क्रम में जब उन्होंने जो वार्ता की है वहाँ पे जो विदेश मंत्रालय के लोगों से, तो उससे इटली के जो संदेश वाहक थे, इनका नाम था ओरजोंदो मुजेटो, इनके पासपोर्ट पे वो रूसी ट्रांजिट वीजा पर 2 अप्रैल 1941 को काबुल से बर्लिन पहुँचने में सफल रहे और उनकी इस यात्रा में इटली के साथ ही जर्मनी और रूस के जो दूतावास थे वहाँ पर काबुल में, उन लोगों ने भी उनको सहायता पहुँचाई। जर्मनी पहुंचकर नेताजी की समस्याएं कम नहीं हुई, यद्यपि अपनी योग्यता से उन्होंने धुरी राष्ट्रों एवं भारत के बीच आपसी सहयोग करने की एक व्यापक योजना बनाई जिसे उन्होंने जर्मन सरकार को 9 अप्रैल 1941 में पेश किया। अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में बोस ने इसकी बृहद चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि निकट भविष्य में सुदूर पूर्व की अहमियत न केवल बढ़ने वाली है बल्कि जापान भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है। लेकिन जर्मनी की सरकार ने इसमें इसके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखलाई। हाँ, ये जरूर हुआ कि वहाँ पे कुछ जो जर्मन विदेश विभाग था वहाँ के सूचना खंड इंफॉर्मेशन सेक्शन के निर्देशक जिनका नाम था एडम वॉन ट्रॉट और इसके साथ ही एक डिप्टी अलेक्जेंडर बर्ट, इन्होंने जर्मनी में रहकर नेताजी को काफ़ी सहायता पहुंचाई और इनके ही प्रयासों से वहां पे स्पेशल इंडिया डिपार्टमेंट बना और साथ ही साथ जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सशक्त स्वरूप प्रदान करने के लिए नेताजी ने इंडिया सेंटर और आगे चलकर आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। जर्मनी में ही नेताजी के भारतीय सेना के गठन के स्वप्न ने भी साकार रूप लेना शुरू किया। जर्मनी में उनकी मुलाकात युद्ध के दौरान कैद किए हुए कुछ भारतीय लोगों से हुई जिन्होंने वहाँ पे हिंदुस्तानी प्रोग्राम को समझने के लिए रेडियो विभाग के द्वारा जर्मनी ले जाया गया था। बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए इन भारतीयों की सेवाएँ लेने की योजना बनाई और अपने इस सुझाव को जर्मनी की सरकार के समक्ष रखा कि वे जर्मनी में आए इन भारतीय कैदियों से ही एक भारतीय सेना का निर्माण करें। प्रारंभ में वहां की सरकार को बोस के इस सुझाव पर शंका हुई, किंतु बाद में उन्हें बोस का यह विचार उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण लगने लगा और अतः उनके इन विचारों का जर्मनी में स्वागत किया गया। गैनपुले ने अपनी पुस्तक नेताजी इन जर्मनी में इन बातों पर लंबी चर्चा की है और कि किस तरह से रात दिन एक करके बोस ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और जर्मनी का जो विदेश विभाग था उससे मतलब उनके सैनिक अधिकारियों से किस तरह से उन्होंने बात की, इस पर काफ़ी बृहद चर्चा गैनपुले ने अपनी पुस्तक में की है। अंततः बोस को इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई और जनवरी 1942 में उन्हें भारतीय सेना बनाने हेतु ड्रेनिंग बर्म नामक स्थान पर एक प्रशिक्षण इकाई तैयार करने का एक अधिकार पत्र मिला। इस मामले में बोस को अल्बर्ट सिफ्रिश नामक एक अन्य जर्मन अधिकारी से मिलने का मौका मिला जिन्होंने कालांतर में भारतीय फौज को खड़ा करने में बोस की काफ़ी सहायता की। सर्वप्रथम जर्मनी एवं उत्तरी अफ्रीका में रह रहे युद्ध कैदियों के बीच से सितंबर में यह भर्ती अभियान प्रारंभ किया जाना संभव हुआ था।
किंतु इसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन कैदियों से जाकर मिलकर और उनकी पृष्ठभूमि और उनकी सोच का समझ का आकलन करने का निश्चय किया, जो कि अपने आप में कोई आसान काम नहीं था। लेकिन नेताजी का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अधिकांश लोगों ने उनके इस सेना, जिस सेना का उन्होंने गठन किया था जर्मनी में, उसमें भर्ती होने के लिए वो तैयार हुए। यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इन सैनिकों के साथ किसी भी तरह का, मतलब इनके साथ जो ये भर्ती हुई थी उसमें किसी भी तरह से उन्होंने इन कैदियों के साथ जबरदस्ती नहीं की थी कि आप आए और इस सेना में भर्ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। उस पर भी कई वो मिलते हैं। बोस ने इस उद्देश्य से अन्नाबर्ग का शिविर स्वयं जाकर देखा, जहाँ निजी तौर पर युद्ध कैदियों से उन्होंने बात करके ये निष्कर्ष निकाला कि उन सभी में इस बात को लेकर काफ़ी जोश है कि उन्हें पुनः भर्ती होने का मौका मिलेगा और वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। अतः मात्र 12 लोगों की भर्ती से 1942 को में नेताजी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत हुई, जिन्हें जर्मन अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई। वो नेताजी ने इन सैनिकों के साथ किसी भी तरह का सौदा करने से इनकार कर दिया। यद्यपि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन उनके लिए करना उतना आसान नहीं था, किंतु लगातार अपने भाषणों से एवं अनेकानेक कोशिशों से सैनिकों के मनोबल को बढ़ाते रहे और साथ ही कुछ एक जर्मन सरकारी अधिकारियों के द्वारा खड़ी की जा रही परेशानियों को भी झेलते रहे। आज़ाद हिंद फौज के गठन के पीछे उनके अथक प्रयास एवं कठिन परिश्रम की झलक हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर सैनिकों ने उनके व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित होकर ही उसके नेतृत्व में फौज में भर्ती होने का निश्चय किया था। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि बोस ने इस कार्य में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया। इसका प्रमाण हम उन लोगों की बातों से मिलता है जिन्होंने इस फौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया था। उदाहरण के लिए एक नाम आता है इकबाल सैदाई, या जिन कहीं कहीं पे शहीदी भी लिखा मिलता है उनका। ये एक भारतीय मुसलमान थे और इन्होंने इटली में भारत की स्वतंत्रता के लिए एक फौजी टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम था भारतीय सेंट्रो मिलिट्री। इनसे सुभाष चंद्र जी मिले, लेकिन वो इनके विचारों से प्रभावित नहीं हो पाए, अतः उन्होंने उन पर किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती करने का उन्होंने ये काम नहीं किया। गैनपुले ने भी अपनी पुस्तक में उनके इस पक्ष पर प्रकाश डाला है कि कैसे लोगों को उन्होंने अपनी फौज में भर्ती होने के लिए शब्दों और भावनाओं से प्रेरित किया था। आज़ाद हिंद फौज को जर्मनी की सेना में वैधानिक रूप से रेजिमेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया और अगस्त 1942 को लगभग 2000 कैदियों ने भारतीय सेना में प्रवेश ले लिया। अतः इन सभी को सैक्सोनी में कोइंसबुर्ग मिलिट्री केंद्र पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। बर्लिन में उपस्थित जापानी अधिकारी कर्नल यमांटू की उपस्थिति में सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में 28 जनवरी 1943 को 3 वाहिनियों ने सरकारी तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लेफ्टिनेंट कर्नल कैफ्रे के नेतृत्व में शपथ लेते हुए हिटलर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए होने वाली जंग में उन्होंने सहर्ष अपना सुभाष चंद्र बोस जी को सहर्ष अपना नेता स्वीकार किया। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि हिटलर के प्रति आज़ाद हिंद फौज की निष्ठा के पीछे मुख्य कारण सैनिकों को देने वाले वेतन की समस्या थी। यहाँ पे नेताजी ने इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आज़ाद हिंद फौज की अस्मिता एवं स्वतंत्रता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत के अतिरिक्त उसे कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। इसीलिए जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया और हिटलर ने जब उनसे कहा कि उनके द्वारा खड़ी की गई इस फौज के सैनिकों को वो वहाँ पे भेजेंगे, तो नेताजी ने उसके लिए हिटलर को बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया। तो नेताजी विधिवत सैन्य प्रशिक्षण को बिना प्राप्त किए भी अपनी फौजी टुकड़ियों का नेतृत्व पेशेवर तरीके से करते थे। अपने सैनिकों के उत्साह को लगातार बढ़ाने के लिए वे कैदियों के शिविर में जाकर भाषण देते और उनसे देश सेवा की अपील करते तथा उन्हें ये बताने का बताते कि देश सेवा का
अवसर बार बार नहीं मिलता है। प्रयासों का ही परिणाम था कि जर्मन अधिकारियों के द्वारा भारतीय सैनिकों को तोपखाने का भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में उन प्रशिक्षण से उन्हें वंचित रखा था। अपनी सेना को संगठित करने का चातुर्य भी उनमें था और जातिगत तथा संप्रदाय संकीर्णता से और इस तरह के भेदभाव से वो बिल्कुल परे थे और उनका ये मानना था कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के राह में ये सबसे बड़ा रोड़ा है। 1942 में उनकी हिटलर से मुलाकात होती है, बोस की, सुभाष चंद्र बोस जी की, और इस मुलाकात पर भारत की स्वाधीनता की गारंटी की घोषणा में उसके टाल मटोल से नेताजी सशंकित हो गए और अब वे एशिया जाकर जापान के सहयोग से ब्रिटिश विरोधी संघर्ष चलाने का विचार करने लगे। यद्यपि बोस विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी से पूर्व एशिया जाने के खतरों को जानते थे, किंतु अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए वह हर खतरे और हर चुनौती का सामना करने को तैयार थे। मार्च 1942 में राज बिहारी बोस ने, जो जापान में बस गए थे, और टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किया और जून 1942 में बैंकॉक में एक दूसरा सम्मेलन आयोजित किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संघ का जन्म हुआ। भारत ही ब्रिटिश पराधीनता से भारत की मुक्ति के लिए सिंगापुर मलाया में जापानियों के समक्ष समर्पण करने वाली ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्धबंदियों से भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन का निर्णय लिया गया। राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक कार्यपरिषद का गठन हुआ और कैप्टन मोहन सिंह को भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया, किंतु कुछ दिनों के बाद मोहन सिंह और जापानियों के बीच में मतभेद के कारण राज बिहारी जी ने पूरा नियंत्रण उसका अपने हाथों में ले लिया और बैंकॉक सम्मेलन में ही नेताजी को पूर्व एशिया में आने का निमंत्रण दिया गया। फरवरी में से 2 जून 1943 के बीच नेताजी के द्वारा कील से पेनांग तक पनडुब्बी की यात्रा का आधुनिक विश्व के इतिहास में कोई भी सानी नहीं है। एक जगह पे मैं पढ़ रही थी इसका, तो उसमें ये था कि जो ये पनडुब्बी की यात्रा इन्होंने वहाँ से की, जर्मनी से, और जो वहाँ तक पहुँचे हैं ये मेडागास्कर तक, तो उसमें वो पनडुब्बी जो थी वो डीजल की पनडुब्बी थी और उसमें डीजल की भयंकर बदबू थी और जो उनके खाना मिलता था वो भी, मतलब उसमें भी डीजल की महक आती थी। और विश्व युद्ध के दौरान उस पनडुब्बी से, मतलब हर तरह का खतरा वहाँ पे मौजूद था। और जिस तरह से कल भी चर्चा हो रही थी यहाँ पे कि जैसे जिस समय वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो जापान की पनडुब्बी वहाँ पे उनका इंतजार कर रही होती है, तो कैसे वो उससे दूसरे उसमें गए। और उसमें ये भी था वर्णन जो मैं पढ़ रही थी कि नीचे बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ थीं और समुद्र का जो मिजाज था वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जो लहरें थीं वो एकदम कई फिट ऊंची लहरें थीं और उसमें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर किस तरह से उन्होंने उससे निकल के वो जापान की पनडुब्बी में वो गए। निसंदेह ये एक तरह से जिसको कहते स्प्रिंगिंग टाइगर, जो उनके उसका जो उछलते हुए चीते का जो वो था, तो वो भारत का जो भारतीय स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता की जो अभिलाषा थी उसको एक तरह से एक चीते की तरह से एक उछल के उसको वो प्राप्त करना चाह रहे थे। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था भारत की स्वतंत्रता। उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पे लगाया कहीं पर। और उन्होंने जो स्पीच दी है, जो मतलब जो उनके सामने जो जिस तरह से उन्होंने इन कैदियों को एक सैनिक के रूप में परिवर्तित किया है, उसमें जो उन्होंने स्पीच दी है, तो उसमें एक मैं पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि वो ये कहते हैं कि मैं आपके हर सुख में हर दुख में आपका साथ दूंगा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय भूख और मौत के, और हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा देश स्वतंत्र हो, ये अभिलाषा, ये चीज़ जो थी ये मतलब उन्होंने उनको दी। और इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में जो आज़ादी की जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ है वो मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना किसी जाति भेद के, बिना निस्वार्थ भाव से ये आज़ाद हिंद फौज का गठन, ये अपने में कोई आसान काम नहीं था। ये नेताजी के व्यक्तित्व का ही चमत्कारिक प्रभाव था। एक लाइन अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ाद बिना खड्ग बिना डाल,
जी नहीं, आजादी बिना खड्ग और बिना ढाल के नहीं मिली है। आजादी के लिए बहुत सारे परवानों ने अपनी बलि को चढ़ाया है और उसमें इस पूरी चीज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा खड़ी की गई आजाद हिंद फौज, इसके द्वारा आजादी प्राप्त हुई है। बिना खड्ग बिना ढाल के बिना आजादी नहीं प्राप्त हुई है। और यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि नेताजी की मृत्यु को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी है निसंदेह, लेकिन आज के दिन जो व्यक्ति हमको आजादी जरूर मिल गई लेकिन मानसिक रूप से अभी भी भारत गुलाम है, जो भारत के लोग या जो भारत जिस भी भारत के व्यक्ति में अपने देश के प्रति एक इंच भी या तनिक भी अगर प्यार हो अपने देश से, और जिन्हें जो मानसिक रूप से जो विकलांग नहीं है, जो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, उनके दिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा जीवित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।